महंगाई की मार आम लोगों के बज अब साथ साथ अब जो व्यापारी हैं उन पर भी पड़ रही है लगातार, खास तौर पर जो रेस्टोरेंट्स ढाबा वाले हैं, क्योंकि आज से जो कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं 267 रुपए उनकी कीमत बढ़ी है, और इसका असर साफ तौर पर होटल व्यापारियों पर पड़ा है, और सबसे बड़ी बात ग्राहकों से पुराना रेट ही वसूला जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दविंदर कुमार है। सर दविंदर जी मुझे बताइए, 267 रुपए काफ़ी बड़ा एक अमाउंट होता है, ये एक साथ बड़ा है कमर्शियल सिलेंडर्स का। पिछला जो सिलेंडर आपने भरवाया था आपको याद है किस रेट पे भरवाया था? सर मेरे ख्याल में 1700 कुछ रुपए का था वो। 1700 कुछ रुपए का था। हाँ। तो जो आप लोग अपने जो रेट्स रखते हैं जो ग्राहकों के लिए, हाँ। वो कितने कितने दिन के बाद उसको आप उसको दोबारा से 2018 की रेट लिस्ट लगी हुई है। अच्छा। हमारे रेट बढ़े हैं लेकिन हम वो रेट लिस्ट अभी वो देखो वो पड़ी हुई है, हाँ। हमने अंदर रखी हुई है, हाँ। हम नहीं लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको पता कोविड की वजह से मतलब कि इतनी मार पड़ी है कि आप पूछो मत। अब देखो हमारा यहाँ ऐसे काम था कि चलो इतना नहीं था, हमारा हाल फुल रहता था। अच्छा। लेकिन आज आप देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा बाहर से कस्टमर नहीं आता है। हाँ। तो बस यही लोकल अपने दो चार जो कस्टमर आते हैं उन्हीं के साथ गुजारा होगा। लेकिन 267 रुपए कीमत बढ़ना, तो अभी आपको लग रहा है कि और घाटे का सौदा होगा अगर अगर रेट? हाँ बिल्कुल सर, रिवाइव नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सामने सामने बात है। 266 रुपए रकम होती है सर। जैसे देखो आप पेट्रोल के दाम भी रोज रोज बढ़ रहे हैं सर। हम फॉर्चून का टीन जब कोरोना का काल खुला था ना 1450 रुपये का लेते थे, आज 2627 रुपये का मिलता है वो टीन। आप हिसाब लगा लो कितने गुना महंगाई होगी। मतलब कि चारा कोई नहीं है, कीमतें बढ़ती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल ये। बिल्कुल सर, हाँ कोई चारा नहीं है। मुनाफा एक समय मुनाफा होता था, मुनाफा लेकिन भूल जाओ सर इस वक्त। ये जो मैंने लड़के 2-3 रखे हैं इनकी तनख्वाह सैलरी देना बहुत मुश्किल है। कितने आपके मुलाजिम, कितने आपने? 3-4 मुलाजिम है इस वक्त। तो सूरत हाल ये है कि ढाबे जो हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि ये लंच का टाइम है लेकिन ढाबा पूरा खाली पड़ा हुआ है, खाना बना रहे हैं। बस स्टैंड के बिल्कुल पास का ये इलाका है जहाँ पर ये ढाबे हैं गुम्बट में, लेकिन ग्राहक नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं इन कमर्शियल रेट्स पर जो बढ़ोतरी हुई है उनको लेकर, वो क्या कहते हैं? तो बढ़ते कमर्शियल सिलेंडर की मार दुकानदार ढाबे वाले जो हैं वो झेल रहे हैं, और ख़ास तौर पर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वहाँ पे जितने भी ढाबे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर लगाया है और यहाँ पे बहुत फुटफॉल है, बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए, और मोस्टली ये 24 में से लगभग 18-20 घंटे ये ढाबे खुले रहते हैं। सर मुझे बताइए ये सिलेंडर आपका कितनी देर चलता है? ये महीने में 5 दिन ही चलता है। 5 दिन चलता है। लास्ट टाइम आपने इसको रिफिल कब करवाया था? आज ही भरवाया मैंने। क्या रेट में भरवाया था? 2100 रुपए में। 2100 रुपया? तो ये बड़ा हुआ रेट पे आपने भरवाया आज? बड़ा हुआ रेट। इससे पहले जब भरवाया था तो क्या रेट पे था? पहले 1700 रुपए था। 1700 रुपए पे था। तो जो रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का लिए जो ले रहे हैं वो भी रेट बढ़ा रहे हैं या पुराने रेट पे चल रहा है? वो रेट पुराना रेट भी नहीं दे रहे, कस्टमर तो देता ही नहीं रेट। अच्छा। पहले रेट के लिए भी झगड़ा होता है, तो नया रेट लगाएंगे तो कैसे चलाएंगे? तो मतलब एक तरफ कोरोना के टाइम वो लॉकडाउन भी रहा, दूसरी तरफ अब ये इसके रेट बढ़ रहे हैं, तो घाटा घाटा कैसे पूरा करते हैं आप लोग? घाटा कैसे सर, मुश्किल बड़ी है, दुकान चलाना मुश्किल हो गई है, बड़ा मुश्किल। आपने मुलाजिम कितने रखे अपने यहाँ पे? मुलाजिम फिर 2 ही रखे हैं फिर। यानी पहले ज्यादा थे? पहले 4-5 मुलाजिम थे। अच्छा, आप कम कर लिए? अब 2 पे ही है बस। 2 पे है। तो मतलब रेट नहीं रिवाइज हो रहा लेकिन सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है। सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, हर चीज का, दालों का, चावल का, हर चीज का रेट बढ़ गया हुआ है। तो ये अनुमान है कि आने वाले समय में अगर रेट तय होगा तो रेट बढ़ने जो है वो यकीनन वो फिक्स है, रेट बढ़ेंगे। रेट तो बढ़ना चाहिए लेकिन कस्टमर भी नहीं दे रहा रेट जो है ना, वो रेट नहीं है। अच्छा। मुश्किल हो रही है, दुकान चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो LPG गैस कमर्शियल सिलेंडर्स की बढ़ी हुई कीमतों के बीच लोग काफ़ी परेशानी जो है वो अभी झेल रहे हैं। लोगों ने अपने जो वक्तव्य में ये बताया कि बहुत मुश्किल है, पहले लॉकडाउन था कोविड के बीच में, उसके बाद जिस तरह से अभी लोगों का आना जाना भी कम है, दूसरा 267 रुपये जो कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं उससे उन लोगों को अब और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि रेट खाने के जो रेट लिस्ट है वो रिवाइज नहीं हुई है, लेकिन जो सिलेंडर कमर्शियल जितने भी ढाबा हैं, छोटे चाय की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको अब उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर लगातार पेट्रोल डीजल तो बढ़ रहा है लेकिन LPG के भी दाम बढ़ने से लोगों को, वो चाहे डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल हो, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा अभी मुश्किल आना सामने वो दिख रही है। ब्रजलिप शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।